डलहौजी, जो डलहौजी न कर सका वो हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर सका वो हुक्काम कर देंगे, अगर कमीशन दो तो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। आप ऐसी भारतीय जनता नहीं, आप विकास के, अच्छा विकास आप बताइए, नहीं विकास के, विकास हुक्काम की बात है, हुक्काम आ रही है। आप बताइए, देश का किसान 7 महीने से बैठा हुआ है, रोजी रोटी के लिए अपने आप बताइए, आज डीजल इतनी महंगाई पे है, आखिर चलाओ पार्टी को विश्वगुरु बनाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे सब, अरे भारत चलाओ भाई, जनता खून पी रहा, किडनी निकाल रहा, भारत जलाओ पार्टी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आप हमारा खून, पेट्रोल हम जाते हैं गाड़ी में डलवाने, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया खून निकलवा के था पेट्रोल डलवा लें। चीर देता है किसान सोखता नहीं पसीना, चीर देता है किसान सोखता नहीं पसीना, समझिए ये किसान है, 7 महीने नहीं 7 साल लग जाएं, लेकिन ये जो सरकार तानाशाह और अहंकार सरकार पत्रकार महोदय बैठी हुई है, इस सरकार को ये देश का किसान और पालनहार झुका के रख देगा। ये किसान है, किसान की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो पत्रकार महोदय, खाली जाएगी? अरे ये सरकार की सत्ता उखड़ जाएगी। आप बताइए, आप बताइए आज किसान 7 महीने से बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री की संवेदना नहीं होती है? गोबर पात्रा जी प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को कहते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन जब देश में किसान हित की बात होती है तब ये सरकार में बैठे लोग आखिर क्यों नहीं बात करते हैं? आप बताइए, हमारे 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, हमारे ऊपर वाटर कैनन NSA CBI लगा के हमारी आवाज़ को दबाया गया, देश में किसानों की आवाज़ को दबाया गया, लेकिन ये सरकार कहाँ सोई हुई थी? जब ये बंगाल पहुंचते हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं, आप ऐसी सरकार की बात करते हैं? नहीं, आप सरकार के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं, बोले तानाशाह सरकार है, कैसे तानाशाह सरकार है, वो तो लोगों के हित में काम कर रही है सरकार। जो डलहौजी न कर सका वो हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर सका वो हुक्काम कर देंगे, अगर कमीशन दो तो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। आप ऐसी भारतीय जनता नहीं, आप विकास के, अच्छा विकास आप बताइए, नहीं विकास के, विकास हुक्काम की बात है, हुक्काम आ रही है। आप बताइए, देश का किसान 7 महीने से बैठा हुआ है, रोजी रोटी के लिए अपने आप बताइए, आज डीजल इतनी महंगाई पे है, आखिर हम धान की रोपाई करेंगे तो क्या हम बिना पानी के धान की रोपाई होती है पत्रकार महोदय, या गोबर पात्रा है बाबा कामदेव जी से पूछने जाएं? आप बताइए, जो चाय वाली की बात करते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, आखिर आज उसी चाय वाले को इस देश के रेड़ी और पटरी को हटाने का काम किया गया है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है, आखिर अहंकारी और गुरूरी सरकार क्यों नहीं गएंगे? आप बताइए, किसान अगर बैठा हुआ है तो अपना हक क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है सरकार से बताइए? प्रधानमंत्री मोदी जी आके वर्चुअल उसमें कह देते हैं लाइव डिबेट में, देश का किसान समृद्ध है। अरे आप बताइए, हिटलर जैसी तानाशाही कर रहे हैं, आखिर 2000 में 1 किस्त 3 महीने की देते हैं, किसका घर चलता है? किसान समृद्ध नहीं है, ये किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो किसान गुलाम नहीं बनना चाहता है, क्योंकि आप बताइए, नहीं आज नहीं आप बताए किसान, नहीं सुनिए नहीं आज किसान सड़क सुनिए नहीं किसान सड़क पे बैठा हुआ है, किसान सड़क पे बैठा हुआ है, जो बिल्डर है वो हमारे खेतों में बैठे हुए हैं, आप बताइए, नहीं आप बता नहीं अरबपति नहीं अरे सुनिए अरबपति को सिर्फ और सिर्फ के हित में यह कानून लाए, सिर्फ और सिर्फ अरबपतियों के हाथ में। आप बताइए, बाबा कामदेव की बात करिए, 200 रुपये सरसों का तेल है। आप बताइए, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर ये क्या होता है कि हम सरसों का तेल से अपनी सब्जी छोंकेगी या पानी से? पत्रकार महोदय, सिर्फ और सिर्फ आप सरकार की बात करते हैं, ये सरकार जो बैठी हुई पूरे लोकतंत्र कर रही है, आप देशभक्ति के नाम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी देशभक्त है, हम सीना चीर के दिखाते हैं हम देशभक्त नहीं है, हमें आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही के नाम से पुकार रहे हैं। आप बताइए, हम अपने आज कोई देश अगर देश में छात्र अगर अपने हक की बात करता है आप टुकड़े टुकड़े गएंगे, अगर मैं अपने किसान अपने हक की बात करता है तो पाकिस्तान खालिस्तान। आप बताइए, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से हूँ, आखिर ये सरकार कहती है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब में 6 महीने से यहाँ टिका हूँ, 26 जनवरी को यही सरकार हमें बदनाम करना चाहती थी, 27 जनवरी को तब मीडिया कहाँ रहती है जब यहाँ फ्लैग मार्च होता है हमारे टिकैत साहब को हटाने का, उस वक्त कहाँ रहती है मीडिया, तब नहीं दिखाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ और दलाली करने गोबर पात्रा जी आते हैं स्टूडियो में और इनका कोई काम नहीं होता है, नहीं
आप लोग भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि किसान भी उग्र होते जा रहा है। अब आप बताइए, किसान के ही वोटों से, देश की जनता के वोटों से सरकार बनी थी ना, तो देश की जनता उखाड़ने का क्यों नहीं? आप बताइए, जब अहंकारी सरकार आप हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, हम आप देश में कितना युवा बेरोजगार है समय पे इस समय नहीं तो कर रहे ना हम रोजगार। अरे ये अच्छा योगी, अच्छा बाबा ढोंगी जी 4.5 साल नहीं देख सीएम को ढोंगी बोल, ढोंगी बहु ढोंगी और नहीं शब्द ढोंगी और बहु रुपया नहीं बोले, नहीं नहीं ढोंगी और बहु रुपया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप बताइए? अरे राज्य के सीएम जो अपने पिताजी का नाम अवैध ना रखता है, बोलता मेरे पिताजी उत्तराखंड में उनका देवासान हो गया है, मैं राम राज्य की कल्पना करता हूँ, मैं उनके उसमें नहीं जाऊँ। अरे ये ढोंगी नहीं तो क्या आप बताइए, घंटा बजाना चाहिए। राम मंदिर अगर आप कल्पना करते हैं, जब 14 बरस का वनवास हुआ भगवान श्री राम को, तो उन्होंने वनवास वो किया ना, तो अगर योगी जी को चाहिए तो इन्हें वनवास जाना चाहिए। आप वनवास में जाइए, आप क्यों बैठे हुए हैं? नहीं एक योगी व्यक्ति देखिए नहीं चला सकता। अच्छा आप बताइए, आप परिवार तो चला नहीं पाए, आप शादी नहीं किए, जब आप परिवार चलाते तब आपको पता होता ना परिवार का दर्द क्या होता है। नहीं मतलब जो परिवार चलाएगा शादी करेगा वही। अरे बाप, अब बिना हम बाप के बिना नहीं हम अरे आप देखिए अब बताइए, संघ और हिंदू वाहिनी बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी ये क्या काम करती है? ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करती है पत्रकार महोदय। आप बताइए, आप इस वक्त नहीं योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानून लाने जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या कहते हैं इस कानून के ऊपर? अब देखिए, सरकार जब विकास नहीं कर पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, किसानों की हक की बात नहीं दे पा रही, तो क्या किया जाएगा? यही करेंगे जो देश में किसान बोला हो। आप बताइए, चाइना जो लाया उसने 3 बच्चे की कर दी ना हमें, तब उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन ये सरकार अब क्या करे? आप विकास नहीं करेंगे, आप जनता को रोटी नहीं दे पाएंगे, आप जनता के हित की नहीं बात कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या ज्यादा है तो कैसे लोगों को? अरे अच्छा जनसंख्या ज्यादा है, जब पेट्रोल की महंगाई हो जाती है तब आप कहते हैं कि सरकार का खजाना खाली है, विधायक और सांसद की पेंशन नहीं बंद होती है तब खजाना ना। अरे आप आइए ना, हमारे ऊपर कट्टा रख के वसूलेंगे, इस सरकार कट्टा रख के और आम जनता के जेबों पे कट्टा रख के वसूलने का काम कर रही है। आप देश चलाने के लिए पैसा? अरे देश चलाने, आप बताइए, जो सरकार कहती है, जो सरकार कहती थी हम कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे, जब बिहार का चुनाव होता है तब आप कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे, हैं? जब बंगाल का चुनाव होगा तब आप रोजगार देंगे? 4.5 साल से आज यूपीएससी की बात करिए, एसएससी की बात करिए, पीसीएस की बात करिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा रोजगार? हम उत्तर प्रदेश की यहाँ सरजमी सरकार, यूपी सरकार बोल रही है दिसंबर तक हम अब आप हैं रोजगार देने की तो बात कर। अरे कौन सा रोजगार दे रही है आप बताइए? वही पकौड़ी तल्ले माला, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर की बात। ये सरकार देखिए, वोकल फॉर ये केवल रोजगार है। अच्छा तो सरसों का तेल कहाँ से लाएंगे बताइए? आज किसान हम 205 दिन के आसपास हो गए यहाँ बैठा हुआ है, सरसों का तेल किसान उगा, किसान का सरसों का खेल होता है, अब जब किसान उगाएगा नहीं तो ये वही बात है ना, हमें रोड पे बैठा के पूजोपतियों के हाथ में ये सत्ता सौंप दिया है ऐसी सरकार को। देखिए हमारे किसान है जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष किसानों का नारा है, और जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया था, ठीक है? उन्होंने जब देश की जनता त्राहिमाम हो गई थी तब पूरे देश को कहा था कि भूखे रहिए, लेकिन पहले उन्होंने अपने परिवार से पूछा था क्या आप भूखे रह पाएंगे, लेकिन ये तो पहले कुर्ता पहनेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवाएंगे ढोंग के नाम पे, राम के नहीं के हिसाब से नेता कुर्ता भी नहीं पहने। अरे देख नहीं नहीं आप अच्छा आप ऐसो आराम 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनवाएं और देश की जनता रोड पे है, आप ठेले की बात करिए, आप सब्जी की बात करिए, जाके देखिए आप इस समय रेहड़ी पटरी वालों जो बात करते थे कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, आप लोन लीजिए, बैंकों में जाइए, सारे बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, या PSU की बात है, BSNL भेल एक सबको आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप एक ट्रेन आप कह रहे हैं बिहार की लीची दिल्ली खाई जाएगी, 80 करोड़ को हम अनाज देंगे। अरे जब किसान अन्न उपजाएगा नहीं तो कहाँ से अनाज देंगे आप? FCI के थ्रू आपने भंडारण बंद कर दिया है, PDS के जरिए आपने अनाज नहीं देने का काम किया है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ढोंग की सरकार है, लूटतंत्र की सरकार है, देशभक्त। आप गलत आरोप लगा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि BJP है मात्र ऐसी पार्टी हो जो देश को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, देश को विश्व गुरु बनाएगा। अच्छा भारत जलाओ पार्टी को विश्व गुरु बनाए, भारतीय जनता पार्टी को अब कैसे सब? अरे भारत जलाओ भाई जनता का खून पी रहा, किडनी निकाल रहा, भारत जलाओ पार्टी नहीं कहेंगे क्या कहेंगे? आप हमारा खून पेट्रोल हम जाते हैं गाड़ी में डलवाने, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया खून निकलवा के था पेट्रोल डलवा लें।
हाँ, ये खून चूस रही है सरकार, आम जनता की खून को चूसा जा रहा है, देश की जनता को परेशान किया जा रहा है। ये सरकार और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म तंत्र का काम कर रही है। ऐसी सरकार को देश की जनता, आप देखा होगा बंगाल में देखा ना, खेला हो गया। उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा, जो आने वाला पांचों राज्य का विधानसभा चुनाव है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। आप बोल नहीं रहे कि वहाँ पर खदेड़ा होगा, लेकिन जेपी नड्डा, अमित शाह सभी तैयारी में लगे हुए हैं फिर से यूपी जीतने की तैयारी में। अच्छा, गृह मंत्री जी कहाँ बैठे हुए हैं? बंगाल के चुनाव के बाद, एक रैली के बाद, उसके बाद अंदर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा पर नहीं है। अरे अच्छा, चाणक्य ने ही कहा था, जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं? ये पाखंड लोग हैं, पाखंड फैला रहे हैं सिर्फ। ये सत्ता के नाम पे ढोंग का काम करते हैं। ऐसी सरकार को, जुल्म की सरकार को, शासन को इनको नहीं रहने का अधिकार है, क्योंकि इनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के स्वार्थियों का नहीं चाहिए। जो देश में देशहित की बात करेगा, जनता के रोजी रोटी की बात करेगा, वैसी सरकार अब देश में चाहिए। इस सरकार को आपकी गद्दी छोड़ो नारा है, इस सरकार को गद्दी छोड़वा के रहेंगे। जय जवान, जय किसान।